ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਸਰ ਪਲਾਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਲੈਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਲਾਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇੰਜ ਖੁਸ਼ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇਰਾ ਪੇੜਾ ਗਰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਾਗਲ, ਹਿੱਲੇ ਹੋਇਆ ਹਿੱਲੇ ਹੋਇਆ ਹਿੱਲੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। आपका ये मैदान ठीक हो जाएगा, मुझे पता है, मैंने आपको पहचान लिया। आप संगाकारा के बेटे हैं ना, कल्ले कारे? लेकिन मैदान जिंदाबाद, मैं भी प्लाट मैदान च ही लैना, इसे मैदान च ही लैना, भावे मैं मिंत्रला करके लैना, मैं लैना जरूर है। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक शुरुआत करने लगे हैं, जो मैदान सजा है विरासत का, एक अच्छी शुरुआत होने वाली है और इंशाल्लाह हम अपनी नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ इसकी शुरुआत करते हैं और आप भी हमारे साथ इसमें भरपूर साथ दीजिएगा। एक एक्ट की सूरत में हम आपको साथ साथ हंसी मजाक भी करते रहेंगे और आपको इनके बारे में एजुकेट भी करते रहेंगे कि ये किस चीज़ का मैदान है और हम लोग आपको क्या देना चाह रहे हैं। ये शाहिद खान साहब, वो भी पीछे तशरीफ रखते हैं। तो अब आपकी मोहब्बत के साथ हम एक एक्ट शुरू करते हैं, तो आप हमारे साथ इन्वॉल्व रहिएगा, मज़ा लीजिएगा। इंशाल्लाह ये टाइम जितना भी है हमने इसको बहुत अच्छे से इंजॉय करना है, तो एक ताली के साथ हम शुरू करते हैं। हमारे जो जिन्होंने साउंड लगाया ना जी, महमूद साहब, वो आज पहली बार एक्ट करेंगे और देखते हैं कैसा करते हैं वो लोग। जी मेरा जो काम है ना, मेरा अपना एक जाती मैदान था जहाँ पर मैंने सोसाइटी काट दी और सोसाइटी काट के ना तो मैं लोगों को बड़ी सहूलत दे रहे हैं, तो मैंने पता लगा मैदान वाले जड़े ने इन्होंने कोई होर काम पाया, मेरे काम नू किधरे खराब ना करन, मेरा बिजनेस खराब ना करन किधरे। चलो कोई नहीं, खैर मैं तो पैसे लेके निकल जाना लोगों को, मैं कड़े पैसे नहीं लगना। वालेकुम सलाम जी। जनाब क्या हाल है? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह। बैठो तुसी, वक्त ही रखते की चाहिदा तुहानू दसो। मैं सर प्लाट लेना है। प्लाट लेना? तुहानू ऐसा जबरदस्त प्लाट देंगा जनाब कि तुहाडी जिंदगी जिहड़ी संवर जाएगी, तुहाडे बच्चे जिहड़े ने उन्हां दा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा जनाब। अच्छा जी। हां जी, तुसी मेरे कोल प्लाट लवो, इंशाल्लाह 2 सालां बाद तुसी वेखना डबल रेट ते चला जाएगा। अच्छा, उस तो बाद तुसी भावें मैनू वेच देना। अच्छा हां, पर मैं आया मैदान वालिआं कोल। ओ भाई जान गल सुणो, तुहानू उन्हां तों सस्ता देवांगा। ओ नहीं सर, उन्हां वर्गा सस्ता नहीं लभ सकदा। मतलब मैं तुहानू फ्री दे देआं फिर? रोटी पकान की जरूरत नहीं पैनी, अपने आप पक्के मकान दे देना। मैं लगेगा हवाई चीजा फिर रही अंदर। अच्छा जी, तुम यकीन करो तुम छाते जाने की लोड़ ही नहीं होनी, क्योंकि छत होनी नहीं। पर मैं तो सर भाई जान ए चार दीवारी कीती होनी है, पूरे मोहल्ले नु तुसी नजर आ रहे होना। नहीं नहीं सर, मैं आया मैदान वालिया कोल। ओ भाई जान गल सुनो, मैं मैदान रेट कोलो ही विरासत लेनी। मेरी गल सुनो, तुहानू जेड़ी इत्थे सहूलत मिलनी ना, उत्थे नहीं मिलनी। ओ नहीं सर, उहनां कोल बहुत सहूलतां ने, तुहाडे घर दे अंदरों मैं नहर कढ़नी जी, उत्थे कपड़े क्या तुहानू इस तरह? पर नहीं यार, मेरा ना दिल नहीं। भाई जान जदों तुसी नहीं सी लेना ते मेरे को लैण की आए हो? ओ सर मैं पहले ही बड़ा टसया है, ते मैं नहीं, हुण मैं मैदान वालिया कोल ही जाणा। मैं पहले भी बढ़िया टैसा गाती हूँ। गल पता की है, तुहानू मैं अपने क्लाइंट विखाना, तुसी एक बार मेरे क्लाइंट वेख लो, तुसी वेखोगे इंज खुश फिर रहे ने, दुआवां दिंदे फिरदे ने मैनूं। तेरा पेड़ा गर्ग होइआ ऐ। तेरा वाला हेलो बेटा, फिर आई कदी तेरा गाना खराब हो गया। सस ना मंग पता खेलन वाले अच्छा।
मेरे प्लाट से पैसे ले गया सारा तेरी वायत आया है। होया की है? और साले दा मोटरसाइकिल जुबे च हरण आ लिया तेरा बेड़ा करके उड़ा गया। असल जेड़ा मोटरसाइकिल में हार गया सी ओए बीवी दे कपड़े पा के डांस करन आ लिया। ओए भाई हेलो, ओए मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये तेरी जिंदगी बर्बाद, तेरी जिंदगी च बबल आता सी। ओए तू जरा मेनू प्लाट दे, एडा सोहना प्लाट दित्ता सी तैनू असीं। ओए एडा सोहना की मेकअप कीता सी ओनू। तेरा प्लाट ओथे किधर हिलिया? तेनू क्या सी ना ते गैस आ जाएगी, बिजली आ जाएगी, पानी आएगा? कुछ भी नहीं आया, उते ते सा नहीं आ रहा है। और तेरा बेड़ा गर्क होवे। ओ प्लाट ते मैं गया वा। अच्छा, उते मेनू चड़ेलां च मड़ गईआं। ओ जंकी तो रुज़बे जा बैंक होवे जे मेनू फ्रॉड हो गया, मेरे नाल मेरा खाता खराब हो गया। की इस तरह मेरी मेरे पैसे अपने अब्बे दा गुड्डा बेच के मैं प्लाट लिया सी। अच्छा जी, उस तेरे नाल सखी ओ मेनू यही कहंदा है। ओए तू है कौन? यही कहंदा है। ओ भाई जान तुसी बेफिक्र हो जाओ, पता की बेवकूफ आदमी है, तन्नू मैं जड़ा प्लाट देना। मेनू भी फसान डया है। नहीं 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 नहीं, ये पागला मैदान ते जाना है। इहदा दिमाग खराब है, इहदा हां नहीं दिमाग खराब। चाचा इतको प्लाट ना नहीं ते होर मेरे को आ देख, मैं सारीयां रकमां दित्तियां, सारा कुछ दित्ता, पेड़ा करे को हो गया। ओए बाथरूम च रोटी खाण वाले है कौन? जगह चाहिए और मेनू प्लाट गलत देने वाले तेरी फुफी नू तलाक हो गया। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। की तेरी जिंदगी बर्बाद? मैं सब कुछ बेच के प्लाट लिया। अच्छा, उत्थे कुछ भी नहीं हैगा। मैं उत्थे प्लाट ते गया वा, उत्थे ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। अच्छा, प्लाट प्लाट नवा ना, इसे ते चिट्टा नहीं उतरिया प्लाट दी। चुप कर जा फिर, मैं कह रहा चुप कर जा। बिजली भी आएगी, उत्थे गैस भी आएगी। बिजली भला क्यों नहीं लवाई? क्यों? बिजली दे किड़े किड़े बड़े बिल आ रहे ने। मैं चाह रहा तेनू बिल ना आवे। नहीं नहीं नहीं, गैस किन्नी महंगी हो गई है। हां जी, मैं चाह रहा तेनू गैस दा बिल ना आवे। मैं तेरे खर्चे बचा रहा बेवकूफा। ओए तो को फसी ना लाहौर च सब तो ज्यादा खोता खान वाले आ। ओए तो को ना फसी है, मैं तेनू कह रहा पूरा दिया। आप इसकी बातों में नहीं आना, देख के आप चाह रहे आप जेंटलमैन आ रही है। ओए की कह रहे हैं, ये की कह रहे हैं, कितों फड़ के ले आए बेवा वाला बच्चा। नक्शा विखाना, ये एक बंदा ना, मैं तो ऐसे ऐसे बंद प्लाट दिते ने जेडे आके कहते हैं कि भाई जान थोड़े तो अलावा तो लाइफ है ही कोई नहीं। तशरीफ रखो तुसी, है नहीं, नहीं, मैं नहीं बहना सर, बैठो तो सही। ओ नहीं नहीं, मैं नहीं बहना, मेरी जान मेरी गल, तुम मुफ्त प्लाट दे रहे हो भाई। मैं मैदान वाले को जाना, कितने ने हो? और सर जी मैं मम्मी मैदान च बैठा, तो इतने बैठो जरा। नहीं नहीं, मैं नहीं बहना भाजी। प्लाट ले लो मैदान में, जमालो प्लाट ले लो मैदान में, जमालो प्लाट ले लो मैदान में, जमाल प्लाट ले लो मैदान में, हे जमालो। नहीं नहीं, वो तो आपकी बात सही है, आपने कहाँ से प्लाट लिया है? मैदान में है प्लाट, प्लाट में है विरासत और विरासत में है विक्ट्री। इसलिए मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले चुराए चुराए हर जगह जाके यही कहता हूँ, टोपी उतारो सलूट मारो और एक ही बात कहो, प्लाट ले लो मैदान में हे जमाल। भजन 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 जी, मैंने सी डरना मेरा दिल डर गया है, मैंने सी डरना मेरा दिल डर गया है, मेरे प्लाट का तो प्रोग्राम बढ़ गया है। ऐसी वजह तो गाना खराब होया है, इसलिए तो तिलिस्मी खोते लोगों को लूटने वाले। अमेरिका पेंट कोट के अंदर एक भेड़िया नुमा शख्स
यार तुम लोगों को लूटते हो, लोगों के अरमानों का कत्ल करते हो, और नहीं और लोग तुमसे प्लाट लेने आते हैं, तुम उनके प्लाट का क्या हाल कर देते हो? चार दीवारी करो, इसे खुरा शुरा बनाओ, आप भी नया करो लगता। किसी की बदवा मत लो, बदवा और हवा जरूर लगती है लड़के। बेटे मेरी गल सुन, ये ध्यान में रखना, मैं जेडी सोसाइटी दे रहा ना मकान, वो कोई आम मकान नहीं है, तुम जरा मुआवजा करके देखो, आके देखो उसे। तीन एक प्लाट लिया, आज मेरे तीन प्लाट है, वे कितना खुश फिर रहा। ना भाई ना खुदा दी कसम, प्लाट ना बीवी ताड़ी ने तड़को तलाक मांग लेनी, जो मैं तानू सही कह रहा, सास ताड़ी ने तानू टुटा मारनी, आ जे ना करो भाई, सारे ने मोटरसाइकिल लगा देना जे, ओ ना कर, मैं कहने इसको प्लाट ना नहीं, असल जगह तो प्लाट नहीं, देखो ले इसको पैसे कटा ते इथे ले, मेरा एक प्लाट सी, वो मेरे तीन प्लाट ने, हर जगह जाना खुशी मेरा मुकद्दर बन जाती है, रमजान च महक मलक नू फोन करन आ लिया, मेरा क्लाइंट है यार, मैं उसको पैसे लेने ने, तू मैं पे कर चाचा फसीना, देखो आप मैदान से प्लाट लें, आपका ये मैदान ठीक हो जाएगा, मुझे पता है, मैंने आपको पहचान लिया, आप संगाकारा के बेटे हैं ना, कल्लेकारे आप तो सिर्फ चाचा जी, बकवास बंद करो यार, प्लाटा तुमने मेरे पैसे देने के नहीं देने, आपको मैंने देने के नहीं देने, नहीं चाचा ने मेरे पैसे नहीं देते, मैं तेरे थुकना ही प्लाट बनिया, इंज खुश फिरदा, ओहदी जिंदगी खुशहाल है, गाने गांदा फिरदा अपने प्लाटां दे उत्ते, ओह भी आ गया की होया होया की है इधर मेरा प्लाट सी, इधर मैं स्विमिंग पूल बनाना सी, अच्छा इधर मैं बच्चों के वास्ते झूला लाना सी, अच्छा इधर मैं छत बनानी सी, होया की खुश है ना, देखो कितना खुश है, और तू पागल कर दिया, तू बच गया, पागल हो गया बत्ती पत्ती आ जाएगी इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जा, इना कोई इंजॉय कर सकता पर जिन्ना कर रहा है, देखो अपना घर देखिया खुश फिर रहा, शेख साहब देने बेवकूफा बनाओ, अपनी आखरत बनाओ, सारे पैसे लो प्लाट बनाओ, गल पता की है, जेडे प्लाट सन हो गया कब्जा, तो हूँ तुम्हें ना कोई नवा ही काम करना पैना पुत्र, नहीं देती भाजी की कर, एक प्लाट सी तीन प्लाट बन गए ने, इसको पैसे लवो मेरे नाल चलो, सस्ती किस्त, मैं उन्होंने दा माटो पड़ गई, परेशान हो गया सी, मैदान में प्लाट, प्लाट में विरासत और विरासत में है विक्ट्री, मुश्किल पैसा कमाया सी, जिंदगी
जान जाएगी और क्या होगा, यार ना करो मेरा क्लाइंट है बेचारा। एस चाचे ने मैं बिठा लिया। हां ए पिंडा से जाके कहना मैं शबाश भी हां ओए वेस्ट इंडीज जाके के मेरी गल छोड़ो दफ्तर नु कर बंद ए नाल ही स्टाल लगाई मकान दा जिथों मैं प्लाट ए साडियां पैणा साडी खिदमत ली बैठियां ने इना ली वितालियां होनी चाहिदियां ने। अच्छा ए कर चलो। अच्छा मुझे एक मिनट पहले मैनु पूछन दियो कि ए अपना इना दा सहूलतां की ने। ये लो बेटा के पास है, किसने परचेज किया है, कौन उसका मालिक है। एट द टाइम ऑफ एंड जब आप अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करने चाहते हैं तो आपको पता चलता है कि प्लॉट आगे चार जगह बिक चुका है, जबकि मैदान में अगर प्लॉट आपके नाम पे है तो एट द टाइम ऑफ एंड, एट द टाइम ऑफ बिल्डिंग आपका ही रहेगा। मेरी बात सुने, सर्विस तो मेरे पास नहीं है, अगर मैं आपको पैसे दूं तो मेरी बुकिंग कर लेंगे। क्या आप तो खुद डीलर थे? हैं आप तो खुद डीलर थे। दफा करो, उन्होंने उस काम के मार्जिन नहीं लिया है, लोग की गालां काट देंगे, जरूर गालां खानी है, जरूर अपनी आखिरत खराब करनी, काम वो करिए ना जेड़ा आखिरत भी बनाए, काम वो करिए जेड़ा दुनिया की इज्जत भी बनाए। बिल्कुल सही। भाई चाचा जी, चाचा जी हेलो। हाँ जी, तुहानू बुला रहे चाचा जी, तुहानू बुला रहे, तुहानू ना इत्थों लैके देंगे असीं। अच्छा, मैदान वाले को ले। वेरी गुड, ठीक है। मैं सिर्फ तुहानू ना थोड़ा जिहा ट्रेलर दिखाना सी कि बाहर किस तरह फ्रॉड होंदा है। बेसिकली मैं भी मैदान वाले दा बंदा। ठीक हो गया, ठीक है। ते तुहाडे लोकां आसे असीं सहूलत बनाई है, इहदे च तुहानू बड़े ज्यादा जाके मौके मिलणगे तरक्की दे। अच्छा जी। हाँ, असीं जिहड़ा इहनां नाल काम कर रहे पुत्तर तुहानू बड़े चांस मिलणगे, तुसीं अदाकारी करदे हो ना, तुहानू अदाकारी दे मैदान दे विच वी बड़े चांस मिलणगे। भाईजान तुहानू नैटफ्लिक्स ते लग जाणगे, तुहाडियां फिल्मां बणनगियां, तुहानू पूरी दुनिया दे उत्ते विखाया जाएगा। अच्छा जी। हाँ, बजट लवांगे आपां जाके कश्मीर वाली साइड तों भी। हां, मीरपुर तुहानू लैके जावांगे, उत्थों पैसा लैके आवांगे, तुहाडी फिल्म बनावांगे और पूरी दुनिया ते रिलीज करांगे। हुण सिर्फ तुहाडा टेस्ट ए होएगा कि तुहानू अपना किहड़ियां किहड़ियां ज़बानां आउंदियां ने, क्योंकि असीं फिल्म बनानी पूरी दुनिया ते। मैं चाहुंदा कि पूरी दुनिया ते जिस तरह मैदान वाले अपना कर रहे ने ना बिजनेस, असीं भी फिल्म दा बिजनेस तरह पूरी दुनिया ते करिए, पूरी दुनिया तों पैसा इकट्ठा करिए। एक फिल्म बनाने, रखो तरह नक्शा तुसीं इत्थे, एक फिल्म बनाने जनाब, उहदे तुसीं सारे काम करोगे, ते काम जिस तरह मैं जिस तरह मैं कहूंगा उस तरह करोगे, तुसी तीनों करोगे, तुसी टाइम कट के फौत नहीं हो जाते तुसी। यार करते उन्होंने, यार मैदान दे विच सब तो ज्यादा तुहाडी वड्डी जॉब है, मैदान दा जिथे वड्डा गेट नहीं लगना, हां हां, उत्थे तुसी बाहर खलोना, बच्चे 5-5 रुपये लेके चीनी यार, मैं तुहानू चाह रहा इन्हां चीज़ां तों बाहर निकलो, तुहाडी फिल्म ऐसी बने कि जिहड़ी पूरी दुनिया वेखे। लेकिन इहदे च इह कि अदाकारी करनी आनी चाहीदी है। तुहाडे जो वड्डा एक्टर केड़ा? अच्छा, फिर एक काम करने, मैं तुहानू इक स्टोरी सुनाना, पहले थीम सुनावांगा, फिर करैक्टराइजेशन करांगे, उस तों बाद तुसीं उहनूं परफॉर्म करोगे। लो जी, थीम इस तरह कि एक बंदा बहुत अमीर आदमी है, उहदी बेटी जिहड़ी है ना जी, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਬੇਟੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਟਰਾਸਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਆਪ ਗਰੀਬੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਪਿਆਰ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਗਰੀਬੋਂ ਕੋ ਦੂਰ ਰੱਖਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਬ ਲੜਕੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਅਕਸਰ ਜਾਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਜਹਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਗਈ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਪਰ ਲਿਫਟ ਨਾ ਗਿਰੀ ਉੱਪਰ ਸੇ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਦੇਖਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੜਕੀ ਕੋ ਧੱਕਾ ਦਿਆ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੇਖਾ ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੇਖਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਅਬ ਉਹ ਉਸਕੋ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਸਕੋ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿਆ ਕਿ ਤੁਮਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੋਰੀ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਮਰਵਾ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਮੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ,
तू मैं बाप नहीं बनना नहीं तू कुड़ी ठीक है तू लिफ्ट वाला तू कुड़ी का प्यो अपना प्रोग्राम फड़ते थे आप कर मैं इतने पीना भी आप बनाओ हाँ प्यो नू ना कुड़ी मैं क्लब ली बहुत आला जिंदगी तो भाई तुसी नहीं देखी है अच्छा जी इन्हों बनाओ यार पता की बहुत सोनी कुड़ी है तुसी सड़ी कुड़ी ले आंदी है एक कुड़ी बना के तुसी क्या मत आओगे सीन करना तो की हम के मैं चलो दसो जी ठीक है तू बन जा कुड़ी का प्यो मैं हाँ ठीक है मैं कुड़ी तू कुड़ी ते तू है मजदूर जी ठीक है तू इन क्या मैं तो डायरेक्टर हाँ ते आप फिल्म बनानी मुख्तलिफ जुबाना ताकि पूरी दुनिया से रिलीज करिए ठीक है ते तू कुड़ी है तू आके पता की कहना एक मिनट है जो जरा मैंने पहले रेडी हो लेते अच्छा हम तुम मैं पहले डायलॉग दस देना डायलॉग बोलने की ने ठीक है कुड़ी बन तू तो बाजी कमेटियां खाने वाली बन ओके अंतरे तुम पता नहीं की हो जाता ठीक है क्यों अच्छा जी तुसी जिहड़े पियो पहले मैं तुहानूं डायलॉग दस दिंदा किने की बोलना पहले तेरा कुड़ी दा डायलॉग आएगा फिर उस बाद बाप दा आएगा बाप तो बाद आएगा तेरा मैं तिन्ना तो तुहानूं कट्ठे बोल के विखाना तुसी उसे तरह ही बोलना आसान जी फिल्म है तू आके कहना कि अब्बा जान अनवर आया अब्बा जान अनवर आया तो प्यो ने वेख के कहना कि मतलब समथिंग इज रॉन्ग ये बंदा कोई कौन है प्यो नु गुस्सा चढ़ गया अब्बा जान अनवर आया तो कहना शुमाइला अगर ये आदमी इस घर में नौकरी के लिए ऐसे आया तो यकीन करो मैं ऐसी नौकरी देंगे इसके खानदान में कभी किसी ने तो सफर नहीं किया होगा और इसकी तनख्वाह इस मुल्क के वज़ीर आज़म से भी ज्यादा होगी और अगर इसकी नीयत खराब है तो इसे इस घर में इससे पहले अपनी और हमारी हैसियत के फर्क का पता होना चाहिए था हम आसमान पर रहने वाले लोग और जमीन पर रिंगने वाला मामूली सा कीड़ा बहुत फर्क है इसके और हमारे खानदान में और याद करो अपने दादा की वसीयत जब एक आदमी हमारे घर में गंदी नीयत से आया तो तुम्हारे दादा ने साथ में दोनों बाजू और टांगे काट के बिठा दिया था चौक में इबरत का निशान बनाकर दौलत मेरे को भी आ सकती है कल तुम्हारी दौलत खराब होगी दौलत मेरे को आ गई फिर मैं चौक खड़ा होकर पूछूंगा गरीबी क्यों की अमीरी क्यों है फिर तुम कहना तेरी लाइन आएगी ना तू कहना शुमाइला लेकर यहां से चली जाओ इससे पहले कि मैं इसके हाथ पांव तोड़ दूं इसे लेकर यहाँ से चलो अब्बा जान अब्बा जान मैं अनवर से मोहब्बत करती हूँ मैं अनवर से मोहब्बत करती हूँ अगर अनवर नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी अनवर मेरी सांसों में बस चुका है अनवर के बिना जीना मुहाल है अनवर के बिना नाम तो कोई चेंज कर ला होर तरह का नाम है नहीं फिल्म का नाम ही इहो जिहा ठीक है हुण तुसीं अपना मूड च जरा प्यो बन के जरा इत्थे टाइम की है क्यों टाइम की है 11:30 ओ तू सुते नहीं है पहले शुमाइला अगर ये आदमी इस घर में नौकरी की नीयत से आया तो यकीन करो मैं सियासी नौकरी देंगे इसके खानदान में कभी किसी ने तो सफर नहीं किया होगा और इसकी तनख्वाह इस मुल्क के वज़ीर आज़म से ज्यादा होगी और अगर इसकी नीयत खराब है तो इसे इस घर में आने से पहले अपनी और हमारी हैसियत के फर्क का पता होना चाहिए था हम आसमान पर रहने वाले लोग और ये जमीन पर रेंगने वाला मामूली सा कीड़ा बहुत फर्क है इसके और हमारे खानदान में और याद करो अपने दादा की वसीयत जब एक आदमी हमारे घर में गंदी नीयत से आया तो तुम्हारे दादा ने उस आदमी के दोनों बाजू और टांगे काट के बिठा दिया था चौक में इबरत का निशान बनाकर सिंपल शुमाइला जुआ कह रहे तुम कहना जमीन के आसमान के कीड़े को मिला दूंगा सुखाली भी बना के तुम सबको बना दूंगा अनवर को बता दो कि अनवर जो भी है मैं हूँ अनवर के साथ चल दोबारा जो भी है बस जो ने किया वो मनो अब्बा जान अनवर है नाला नाला तू मजदूर आदमी थकना मैं तो अपनी लाइन जमीन के आसमान के कीड़े हाथ हाथ पड़ के खलो अब्बा जान अनवर आया अब्बा जान अनवर आया हाँ तुम्हें कहा था कि इस गंदी नस्ल के कीड़े को अगर स्वाने के कीड़े का पास पाके इस देसी क्यों के बंदर के साथ मलोक के साथ मैं जमीन के आसमान को मैं मजदूरी करके मैं इसको पालूंगा ये मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाला हूँ ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाला है मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाला हूँ मैं इसे खुद ही कल करूंगा मैं इस पर फर्शा कराऊंगा मैं इसे मैदान में प्राग ले लूंगा इस गल का पता लगा जो डायलॉग बोले जो तू दस गल तलक है मेरे पीछे पीछे बोली जा शुमाइला अगर ये आदमी अगर ये आदमी इस घर में नौकरी के लिए से आया
बोल दे जब वक्त बदल गया, आज आप अमीर है, मैं गरीब हूँ। आज आप अमीर है और मैं गरीब हूँ। कल वक्त बदल गया, मैं अमीर हो गया और आप गरीब हो गए। मैं अमीर हो गया और आप गरीब हो गए। फिर मैं चौक में खड़ा होकर पूछूंगा, गरीबी क्या होती है, अमीरी क्या होती है? पागलों की बकवास है यार। अब्बा जान, अब्बा जान, अनवर मेरी मोहब्बत है। अनवर, अनवर के यार ऐसा नहीं कहना, तेरा महबूब है। अब्बा जान, अनवर मेरी मोहब्बत है। अनवर के बिना जीना ऐसे ही है जैसे जल के बिना मछली। अब्बा जान, अनवर मेरी सांसों में बस चुका है। अनवर ने मिला तो मैं मर जाऊंगी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली हैं। दोनों का गाना आएगा, गाना गा। यार वैसे गाना गा। अच्छा मेरी बात बता, अच्छा लगा सीन? अच्छा लगा सीन। लो जी, ए फिल्म आप लानी दुबई च। दुबई च भी आप जाना, देखो जी मैदान वाले ने उत्थे भी जाना, ठीक है जी। ते आप उत्थे जाके फिल्म लानी। मैं कुड़ी नहीं बनना ना। नहीं पता कि उत्थे जाके एहो ही सीन करांगे आपां, सेम सीन, लेकिन होएगा अरबी जुबान च। इत्थे साडे कोल उर्दू नहीं सही बोली गई, तू सानू अरबी कौन बोले? मैं तुहानू दस्सांगा किस तरह बोली है। अच्छा, फिकरे होई। तू आके कहना जिस तरह पहले कहना अब्बा जान अनवर आया, तू हुण आके कहना अल वाले दिल मोहतर मैं बोले अहमद लल अनवर है। अल वाले दिल मोहतर मैं बोले अहमद लल अनवर है। फिर तेरिया सेम लेना आन गए, तो कहना शमाइला बोले अहमद लल मकसद बयान लिल इंसान लिल मकान ولا نيه لا حاصل لا نوكري ولا نوكري الفرح من نحمل الممول يا نوكري ولا خاصه ولا ترخاء ولا باكستاني ولا الوزير اللازمه ولا عمد النيه لا خراب لا دخول لا مكانه ولا زين الشين لا قل لا حسيه ولا حسيه النام لا سيه لا ماجه ولا حسيه لا عثمان لا باشيد ولا لسيه لا زمين لا ممول لا كلا ولا يعداش كل دات لا وسيه ولا بعد الدخول لا مكان لا الانسان نيه لا خرابه ولا داد لا المطر ولا العادم لا البازو لا تانغ لا لا قبل لبره النشانه ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਫੋਤ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਡਾਇਲੌਗ ਨੇ। ਓ ਲਾ 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 ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਓਲਾ ਸੇਠਾ ولا حسيه الزين نشينا بل لا بعد لنقول للدوله لا قلاسه ولا لبعد للدوله ولا لا حسيه لا بعد شيتا لا تشوكا ولا الغريبيه لا الاميريه فذوك انا دفر نحمل الوجود الموجوده البلد المحترم ولا الانور المحبه ولا الخاصه ولا الانور تهويل ولا الاساس ولا لبعد الانور نحمل زندقيه ولا الموت القبوله الله اكبر। चलो शाबाश। हां चलो जी, अरबी दे माशाल्लाह अल वाहिद अल वाहिद अल बलद अल मुहतरम अल बलद अल मुहतरम वल आमद अल अनवर वल आमद अल अनवर की नाज कुड मेरी दा शुमाइला 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 हला हला लन अनवर लन लक्तुर वदन अल लमे बाके चपेन चुन कुटन मुतन हाजा खजूर कोपतन खादतन हाजा तुमतुल मारुन हाजा नौकरी दी नियतुन दुआयतुन अल लन बाके लन हाजा जो मैं क्या हो रही बोलना शुमाइला शुमाइला वला आमद अल मकसद अल बयाना अल आलम अल मसल रजम जनखाना अल आलम अल मकसद अल जनाना तेरी पूरी फैमिली है अरे सेम है انت كنت هذا نعم نكر لو انت میرا فادر انت هذا هرتا ولا سيتا ولا سيتا سيتا ولا سيتا ولا حسيه الزين نشينا ولا سه حسيه الزين نشينا ولا حسيه الزين نشينا
यार विकी भाई है सानू कह के ले ऐसे इंज खजल करना तो है आप सारी जमाना दी सर उधर कुछ नहीं हुंदा उधर कुछ नहीं हुंदा ولا غريبيه على الاميريه ولا غريبيه على الاميريه شمال على يلا نعمل موجوده الموجوده على المقانه شمال على المقانه بقيه لي على هرونه والد المحترمه والد المحترمه والد المحترمه انور المحبه الخاصه والد المحترمه انور المحبه الخاصه انور المحبه الخاصه ولا لبعض الانوره نحمل سانس الدرکارا نحمل سانس الدرکارا ولا لبعض الانور موت القبولة انور الموت ہے ہاں موت القبولة انور الموت القبولة گانا عربی جی گانے چھڑ میری بیڑی نام روڑ چھڑ میری بیڑی چھڑ میری بیڑی او ایلا 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 چھڑ میری بیڑی او کچھ دیا بنگا او نہ مروڑ نہ تروڑ یا حبیبی چھڑ میری بیڑی मजा आ जाएगा माना चाइना जो करोगे ना तू इधर प्यो वाली जगह तू उधर आ जिस तरह तू पहले उर्दू च किया फिर तू अरबी च किया हूं तू चाइनीज च कहना तू कहना छोया फोया چل ہوں کیا تیرے پیو نے کی پیا دیکھو گل سنو تے کہ خوشحالی آنے والی ہے کہڑی خوشحالی میرے تو تین پلاٹ بھی تو اگے پیچھے کرتے پھیا پھیا نہیں میدان چ جڑا لے گا او دا کوئی پلاٹ اگے پیچھے نہیں ہوئے گا فلم تاری بنے فلم تاری بنے یا نہ بنے الگ گل ہے फ्यूचर ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਘਟਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਬਣਾਤਾ ਠੀਕ ਲੇਕਿਨ ਮੈਦਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੈਂ ਵੀ ਪਲਾਟ ਮੈਦਾਨ ਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਸੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਿੰਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ 25000 ਰੁਪਏ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਫਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਗੇ ਨਾ ਫਾਉਂਗਾ ਛਾਈਆ ਆਇਆ ਭਾਈਆ ਫੇਰ ਖਰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਇਆ ਫਰੀ ਪਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਛਾਈਆ ਮੇ ਭਾਈਆ ਫੇਈਆ मतलब है कि तीनों बड़े गरीब आदमी ने इन्हों का मां प्यो नहीं है जो कुछ सरदा बनता दियो अल्लाह के नाम से आप सबको मिलेंगे इंशाल्लाह और जो भी लेगा उसका फ्यूचर सिक्योर होगा थैंक यू वेरी मच जी बहुत शुक्रिया अगर हमारा ये पार्ट आपको पसंद आया तो आपके दोनों हाथों की तालियां हमें बताएंगे बहुत शुक्रिया मुलाकात करवाइए आपकी ये आइडिया इनका था अस्सलाम वालेकुम जी थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग ये हमारा पहला एक इनिशियल प्रीव्यू था बहुत कुछ मज़ीद आने वाला है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और हम काफ़ी कुछ आपके सामने डिस्प्ले करेंगे इससे एक बेटर वर्जन में चांद रात को एक बहुत बड़ी गैदरिंग होगी जिसमें हम इसी जो वर्किंग है इसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे और डिटेल में लेके जाएंगे यहीं एक्सपो सेंटर पर चांद रात को प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिएगा
रात 9 से 12 बजे तक इंशाल्लाह मिलके चांद रात मुबारक सबको और ईद मुबारक मेरी तरफ से और थैंक यू वेरी मच जी सर बहुत शुक्रिया अगेन मैदान का शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा शो हमारे सामने लेके आए और आई थिंक कॉमेडी के थ्रू जो एजुकेट करने की उन्होंने कोशिश बड़ी अच्छी की है। हम यही चाहते हैं कि इस इवेंट पे आप लोग आएँ इन्जॉय करें, एक फैमिली एक्टिविटी है, फैमिली के साथ आप हर जगह नहीं जा सकते लेकिन ये प्रॉपर्टी का मैदान और ये फ्यूचर सच एक चीज़ है कि आप सब आएँ और स्पेशली चांद रात को जो ये प्रोग्राम ऑफिशियली वहाँ पर किया जाएगा परफॉर्म, आई थिंक वो वन ऑफ अ काइंड चीज़ है। तो आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों को भी सबको चांद रात पर यहाँ पर लेके आएँ और इसी के साथ साथ उस दिन कवाली का भी इंतजाम होगा। आज जरा कवाली पैरल चल रही है लेकिन उस दिन हम एक ही प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू सो मच इंशाल्लाह। और इस सब में मैं कुछ और ऐड करना चाहूँ, हम ये कल रात भी करेंगे और मजीद इंशाल्लाह चांद रात तक हर रात ये तरी शो होगा, मजीद इसको हम एवरी डे इम्प्रूव करते जाएंगे इंशाल्लाह सबकी इनपुट के साथ। और मैं सबको रिमाइंड कराना चाहूँ ये सब बिल्कुल पॉसिबल नहीं था अगर सारे पार्टनर की कोलैबोरेशन ना होती खसूसी तौर पे विरासत की, तो इसीलिए हमने इस पूरे जो हमारा पहला सीज़न है उसका थीम ही है कि ख्वाबों की दुनिया से निकलें। जैसे सर ने ये तजवीज़ की और सर ने ये सारा डायरेक्ट किया, इन्हीं का वो थॉट प्रोसेस है, इन्हीं का वो ब्रेन चाइल्ड है जो सबके सामने आया और ये हमारे माने जाने मतलब के एक बहुत ही कॉमेडी की दुनिया में स्टेज की दुनिया में एक नाम है और ये एक लेजेंड है, हमारा एक बहुत बड़ा एहसास है सारे भाई जो इधर मौजूद हैं और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें ज्वाइन किया और हमारे इस मिशन में इस विजन में हमारे साथ चले हैं। वंस अगेन हमारा ओवरऑल जो स्लोगन है वो यही है, ख्वाबों की दुनिया से निकलें, प्रॉपर्टी के मैदान में आएँ, अपनी विरासत बनाएँ क्योंकि विक्ट्री हमसे है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच जी।